रविवार को रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ के पहल में चलने वाले नमो बुक बैंक को रांची के अत्याधुनिक पारस एचएससी हॉस्पिटल ने मेडिकल और तकनीकी से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तक बुक बैंक को प्रदान किया। आपको बता दें कि 2020 में छठ पर्व के दिन सांसद संजय सेठ ने नमो बुक बैंक की शुरुआत की थी। ये नमो बुक बैंक, जैसा कि नाम ही सर्वविदित है कि ये एक ऐसी बुक बैंक की परिकल्पना हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी ने की और ये प्राइम मिनिस्टर तक ये बात गई है, नरेंद्र मोदी बुक बैंक ऐसा मानते हैं। और ये बुक बैंक जो है एक अलग प्रकार का है, जिसमें कि जो नीडी हैं, जिनके पास किताब खरीदने की क्षमता नहीं है या बहुत बार ऐसी किताबें मिल नहीं पाती हैं, ऐसे बुक बैंक बहुत सारे घरों से लोगों ने डोनेशन किया है। ये परिकल्पना बहुत 2-3 साल पहले शुरू हुई और आज का दिन खास इसलिए है कि 2.5 लाख किताब की डोनेशन हमारे सांसद को मिला है और ये नंबर्स हम चाहते हैं कि और बढ़े। और आज पारस हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ और आसपास हमारे HEC के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों ने डोनेशन की है और अब हम लोग इस चीज़ को अनवरत जारी रखेंगे। और जो लोग भी डोनेशन करना चाहते हैं, आगे भी ये डोनेशन हम लेंगे और हम माननीय सांसद तक पहुंचाएंगे। और ये मुहिम अभी पूरे देश भर में रिकॉग्नाइज किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो रांची के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे ये परिकल्पना, हमारे ये कॉन्सेप्ट पूरे देश में जा रहा है। और अगर आप समझिए कि पूरे देश में अगर ये परिकल्पना गई और ये बुक बैंक सक्सेसफुल हुआ, तो हमारा रांची का नाम भी ऊँचा होने वाला और लिटरेसी के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा अहम योगदान रांची और झारखंड का रहेगा। जब घूमते हैं गांव टोले में, ऐसे ही हम घूम रहे थे, 2020 की बात है, तो लोग बोलते थे भैया हमारे किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है, किताब दे दो। कुछ दिया लेकिन कहाँ तक हम देते। तो ऐसे ही जब लौट रहे थे क्षेत्र से, तो दिमाग में आया क्यों नहीं हम एक बुक बैंक की स्थापना करें। हम सब के घरों में बच्चे पढ़ लेते, हम पढ़ के बड़े हो गए तो किताबों को तो बेचते नहीं, खराब मानते, कहाँ किताब बेचे, तो उसको कार्टन में बांध कर दूध छत्ती में डाल दिया, कहीं रूम में रख दिया। अगर सोसाइटी से मांगे तो सोसाइटी दे दिए। तो हमने छठ के दिन 2020 में छठ के दिन घोषणा की और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि भाई ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप किताबें जो आपके घरों में पड़ी हुई हैं, बेकार आपके लिए बेकार है लेकिन दूसरे के लिए तो बहुत उपयोगी है, आप हमको दो। तो हमने उस दिन लक्ष्य रखा था कि 10,000 किताबें हम इकट्ठी करेंगे, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन के अंदर 10,000 क्रॉस कर गया और लोगों ने खुशी खुशी, पूरी सोसाइटी ने, रांची ने, एक एक सोसाइटी में अगर 450-450 फ्लैट्स हैं तो एक एक ट्रक हमको किताबें दी और वो फिर हम अपने यहाँ लाते हैं, उसको ठीक करते हैं, उस पर एक टैग लगाते हैं उसमें, ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा, माने ज्ञान की गंगा बहती रहे उसी किताब के माध्यम से। और आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए, आज 2.5 लाख, इन 2.5 सालों, 2.5-3 साल के अंदर 2.5 लाख किताबें किसने दी? सोसाइटी ने दी। किसके लिए दी? सोसाइटी के लिए दी। और आज पारस हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने किताबें इकट्ठे कर हज़ारों पुस्तकें आज दी हैं। और ये पुस्तकें मेरे ऑफिस में जाएगी, मेरे पता है मेरे 6 जगह ऑफिस हैं, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ फिजिकली बच्चे जाते हैं। ये नहीं कि हमारे रांची के बच्चे जाए, झारखंड के दुमका, साहिबगंज, पलामू, लोहरडगा, सिमडेगा से बच्चे आते हैं कि अंकल हम किताब चाहिए। हमने जाओ बेटा, कहीं तुमको जहाँ है वहाँ किताब जाओ, फिजिकली देखो, जो किताब को पसंद है वो किताब आप ले जाओ, कैरी कर लो। देखिए, ये तो सारे सोसाइटी वाले लोग जहाँ सुन रहे हैं कि बुक बैंक, हाँ, नमो बुक बैंक स्टार्ट हुई है, वो खुद से बच्चे भी अपने आप जैसे पास कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये बुक को हमारा नमो बुक बैंक में जाके दे दो, बच्चे ये चीज़ बोल रहे हैं।
और इतने दिन के दरमियान 2.5 लाख बुक जमा करना कोई मामूली बात नहीं है। अब इसे ये पता चल रहा है कि हमारा समाज भी कितना शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं एक पारस हॉस्पिटल में कमेटी मेंबर के रूप में हूँ, मुझे एक दिन का समय मिला, उसमें हम नहीं भी तो 600-700 बुक हम कलेक्ट किए हैं, हमारे घर के, हमारे पड़ोस के, हिनू से, हटिया से, सेक्टर से, चुटिया से, सारे बुक को सबको मैसेज किए, सारे बच्चे इतने अच्छे से उसको पैक कर कर के बुक को भेजें कि हमारा बुक कोई और बच्चा पढ़े, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। मैम, आप लोगों को जागरूक कैसे किए इस अभियान के लिए? मैंने हमारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं, समय तो बहुत कम मिला यहाँ बुक कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मैसेज को हमने डाला और सबको फ़ोन किया, मतलब रात भर यही काम किए हम। सुबह में हमारे पास बुक का कलेक्शन आना शुरू हो गया और सब कोई फ़ोन करके, बहुत सारा बुक तो हम ला नहीं पाए कि नहीं हमारे पास बहुत सारा बुक है, रांची से, बरियातू से, बूटी मोड़ से फ़ोन आ रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे बुक हैं, उसको ले जाया जाए, लेकिन समय के अभाव से अब जब यहाँ बुक बैंक खुल गया है, पारस हॉस्पिटल ने एक मतलब अच्छा काम किया है कि स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को भी देख रेख कर रहा है, तो हम सारे बुक को अब वहाँ से मंगा के यहाँ एक बुक बैंक में जमा करेंगे, जो कि नमो बुक बैंक में जाके, मतलब ये सोचिए कि ये पूरा झारखंड में एक सांसद लाइब्रेरी बनेगा, जो कि पूरे झारखंड से क्या दूसरे स्टेट से भी बच्चे यहाँ बुक के लिए आए, और ये गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा मतलब मैसेज जा रहा है ना। अब गरीब ही क्या, और भी ज़रूरतमंद बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको एक शौक़ है कि हम जाएं वहाँ कलेक्शन देखें, वो भी आ रहे हैं और कलेक्ट करके बुक को लेके जा रहे हैं और शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा देश का फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि हर तक वो महंगी किताबें पहुँच रही है जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।